एक्टर अनुपम खेर ने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की शूटिंग कर ली है खत्म। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग बूगल बॉलीवुड। एक्टर अनुपम खेर की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और खास करके 90s के दशक में वो काफी ज्यादा फेमस थे और आज भी वो काफी लोगों के आइडल हैं। अगर हम उनके करेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने हर जॉनरा में अपना करेक्टर पोर्ट्रेट किया, चाहे फिर वो हीरो हो, विलन हो या फिर हो एक कॉमेडियन का रोल, वो हर एक अवतार में काफी ज्यादा फिट होते हैं और बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस अनुपम खेर के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन अभी भी एक्टर अनुपम खेर अपने आप को काफी फिट एंड फाइन रखते हैं और आज भी अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में एकदम एक्साइटेड और एनर्जेटिक तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब एक्टर अनुपम खेर का 519th प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है शिव शास्त्री बलबुआ। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें उनके साथ नजर आने वाली हैं नीना गुप्ता एज अ लीडिंग लेडी। लेकिन अब इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट की शूटिंग कर ली है खत्म और वहीं एक्टर अनुपम खेर ने अपने फैंस को अपडेट रखा है इस मूवी के लिए, यानी अपने छोटे छोटे ग्लिम्स को एक्टर अनुपम खेर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते रहते हैं और अब उन्होंने रैप अप की भी न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की है। यानी रैप अप की न्यूज उन्होंने उसी सेट से थ्रो करी और उसी के साथ उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हैं। अगर हम उन पिक्चर्स की बात करें तो काफी अलग अंदाज यानी काफी ओल्ड एज अवतार में नजर आ रहे हैं अनुपम खेर और नीना गुप्ता के साथ भी उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं। लेकिन अब उनका कहना यह है कि इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए उनके फैंस तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन प्रोजेक्ट का ट्रेलर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी एक्चुअली में किस बारे में है। और इसी के साथ एक्टर अनुपम खेर ने कहा है कि उनकी मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आने वाली है और एक्टर अनुपम खेर ने बहुत अमेजिंग तरीके से इस मूवी में काम किया और वो आगे भी अपने फैंस के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कुछ है कहना एक्टर अनुपम खेर को लेकर और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर हमें जरूर बताइएगा और बॉलीवुड की हर एक टॉप अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।